हेलो एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंडिंग चला हुआ नेम आर्ट, उस वीडियो को मैंने एडिट किया सिर्फ सिंपल ट्रिक से, और आप भी उस वीडियो को एडिट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे वायरल करा सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने एडिट किया दो ऐप से, एक आपको पिक्सेल लैब जरूरत पड़ेगा और एक काइन मास्टर के थ्रू। तो मैं पिक्सेल लैब पहले पिक्सेल लैब से एडिट करना होगा, तो पहले पिक्सेल लैब ओपन कर लेना है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा, तो यहाँ न्यू टेक्स्ट पर इसे क्लिक करके डिलीट कर दें, ठीक। और इसे आपको एक फ़ोटो PNG लेना होगा, जो मैं आपको लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रॉम गैलरी में आ जाना है आपने, और पहले आपको ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट करना है, ठीक। इसे यहाँ ओके कर दे, अब आपने क्या करना है, यहाँ इधर किसी फ़ोटो पे क्लिक नहीं करना, आपने कलर में आ जाना है, ठीक। और इधर यहाँ कलर में आके इधर इसे ब्लैक सेलेक्ट कर ले, ठीक। और ये वाला जो फोटो है इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले, या फिर इसे थोड़ा सा छोटा ही रखें, इतना ही रखें। अब एक और फ़ोटो आप लेना होगा, फिर से प्लस का आइकन क्लिक करें, फ्रॉम गैलरी में आ जाना है, ठीक। और एक और फ़ोटो ऐसा ही होगा, फ्लावर PNG, तो इसका आपने इसका रिमूव करना है, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। इसे क्लिक किया, यहाँ इरेज कलर में दिख रहा है, आपको ऐसा कर देना है, इसे इधर आके इधर कलर सेलेक्ट कर देना है ब्लैक, ठीक। अब इसे क्या करना है, इसे छोटा कर दें और इसे थोड़ा सा ऐसा, ये देखिए ऐसे सेट कर लेना है। फिर आपको ए पे क्लिक करना है और टेक्स्ट में जाना है इधर, और इधर आपको जो भी नाम लिखना है वहाँ नाम लिख लेना है। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, ठीक। यहाँ सोनू लिख लेता हूँ मैं अपना। और इधर आपको इधर आते जाना है, इधर आपको ए भी फॉन्ट मिलेगा, यहाँ पर आपने अमरनाथ बोल्ड सेलेक्ट कर देना है, ठीक। और इसे थोड़ा सा इधर लागे नीचे, इसे ऐसे थोड़ा सा आपको जितना बढ़िया लगता है उतना कर ले। मैं इधर ऐसे कर लेता हूँ, ये वाला थोड़ा सा छोटा कर ले, इसका साइज भी थोड़ा सा, ठीक। ये हो गया। अब वो क्या करना है, अब आप इसने डाउनलोड कर लेना है, ठीक। अल्ट्रा पे डाउनलोड कर लेना है, ये डाउनलोड हो गया मेरा। अब आपको काइन मास्टर यूज़ करना है, काइन मास्टर ओपन करना है, आपने क्लिक करना है, या 960 एरर सेलेक्ट करना है, क्रिएट पे आ जाना है, ठीक। आपको यहाँ इमेज स्टेट पे आ जाना है, यहाँ ब्लैक कलर का स्क्रीन सेलेक्ट करना है, और जितने सेकंड का बनाना है उतना सेकंड का वीडियो ले लेना है, पहले फ़ोटो कर देना है। मैं 9 सेकंड कर देता हूँ। यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, और जिस फ़ोटो का अभी आपने एडिट किया था उसे अभी ले लेना है आपने, ठीक। अब इसको क्या करना है, ठीक। अब इस पर क्या करना है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले। अब आपको इधर आते जाना है, नीचे देखना है। अब आपको क्या करना है, इधर लेयर पर क्लिक करना है, फिर से मीडिया में आ जाना है, और एक फिर से ब्लैक स्क्रीन सेलेक्ट करना है। आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे आपको ऐसा ही फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब इधर इस पर क्लिक करना है, इधर क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसे ऑन कर देना है, इस शेप में आके दूसरा शेप कर देना है आपने, और इसको थोड़ा सा छोटा रख लें, ठीक। इसे बैक कर दे, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, आपका फ़ोटो पूरा छुप जाना चाहिए, ठीक। अब आपको शुरू में आ जाना है, यहाँ की का ऑप्शन दिख रहा है, अब आपको बस फ़ोटो थोड़ा सा ऊपर करना है पहले पे, फिर यहाँ आगे करके फिर थोड़ा सा फ़ोटो को थोड़ा सा ऐसे हिला दे, फिर थोड़ा सा आगे आके फिर थोड़ा सा फ़ोटो को हिला दे। अब अपना नाम दिखा दे धीरे धीरे, फिर यहाँ पर आके इसे पूरा ही थोड़ा सा हटा दे, पाँचवें पे आके पूरा ही हटा दे, ठीक। ये देखिए कैसे गजब का बन गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक वीडियो लेना है, तो मीडिया में फिर आ जाना है, और ये वीडियो मैं दे दूंगा आपको लिंक। ये देखिए जो ये वाला स्मोक इफेक्ट है, ये 3 सेकंड का होगा, तब वो क्या करना है, यहाँ पर स्पीड में आ जाना है और इसे 0.5 के 0.4 में कर देना है इसे, ठीक।
नहीं तो आपको थोड़ा सा और 0.3 में कर दे, इसे थोड़ा सा आगे में ले जाए थोड़ा सा यहाँ पर, और इसे पूरा बड़ा कर ले, ठीक, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर ले, यहाँ आगे थोड़ा सा ला ले, इधर सीधा कर ले, और आपको इस पर क्लिक करके ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाना है और इधर स्क्रीन सेलेक्ट कर देना है, ठीक। यहाँ मैं स्क्रीन सेलेक्ट कर लिया, अब ये जो बाहरी हिस्सा है इसे मैं कट कर देता हूँ। अब देखिए ये वीडियो बन गया, एडिट हो गया पूरा। अब इसे क्या करें, ये देखिए, ठीक, ये आसानी से बन गया। अब आपको क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है, अगर म्यूज़िक लगाना है तो म्यूज़िक भी लगा सकते हैं, मीडिया में आ जाए, और वीडियो से भी म्यूज़िक निकालना है तो आपको यहाँ पर ही रहना होगा। अब ये वीडियो ले लिया मैंने, ठीक, अब इसे क्या कहते हैं, इस पर क्लिक करना है और आपको नीचे आ जाना है और यहाँ देखना है स्ट्रिक्ट आइडियो है, ये आइडियो निकल गया। मैं साउंड कट कर देता हूँ, अब ये जितना चाहिए मुझे उतना ही रखना है मुझे, तो मैं यहाँ पर इधर इधर ट्रिम के ऑप्शन में आ जाऊँगा और ट्रिम राइट कर दूँगा, ठीक। मेरा म्यूज़िक लग गया, एक बार आप दिखा सकता हूँ आपको मैं, ये जो फायर है थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं और थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि और बढ़िया लगे, इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, बस ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको इस वीडियो में बस इतना ही, अगर इस यह वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करें। थैंक्स।